अक्सर हम लोगों के सामने एक सवाल आता है कि क्या हम अपने रिलेटिव्स को सैलरी पे कर सकते हैं, और अगर पे कर सकते हैं तो कितनी सैलरी पे कर सकते हैं, या फिर हम कोई कमीशन पे कर सकते हैं, और अगर पे कर सकते हैं तो कितना कमीशन पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां पर पूछा जाता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं और वो एक्सपेंसेस जो इनकर किए गए हैं वो किसी रिलेटिव के जरिए इनकर किए गए हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। सेक्शन 40A जो बात करता है सर्टेन एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जहां पर आपको जो एक्सपेंसेस हैं या फिर पेमेंट्स हैं वो नॉन डिडक्टेबल, दैट मींस आप उन एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से आप सर्च करते हैं तो हमारे इस लोगो के साथ हमारे ऑल अबाउट टैक्सेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर पाएंगे और सभी नोट्स वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाते हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप कोर्स करना चाहते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस से रिलेटेड, तो ऐसे में आप हमारी ऑल अबाउट टैक्सेस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 40A की। सेक्शन 40A जो कि बात करता है कुछ एक्सपेंसेस की और कुछ पेमेंट्स की जो कि डिडक्टेबल नहीं है, जिनका क्लेम आप नहीं ले पाते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो पहली बात तो हम बात करेंगे वो एक्सपेंसेस क्या हैं और किन सर्कमस्टांसेस में वो डिडक्टेबल नहीं है, किन सर्कमस्टांसेस में वो क्लेम नहीं किए जा सकते। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये है मिस्टर एक्स और ये मिस्टर एक्स के रिलेटिव है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सैलरी पे करते हैं, मान लीजिए 70,000 रुपीज पर मंथ। तो यहां पर मिस्टर वाई का जो प्रॉफिट है मान लेते हैं वो है 15,00,000 रुपए, उसमें से सैलरी एक्सपेंस लेस किया जाता है और 8.4 लाख रुपीज की सैलरी पे की जाती है मिस्टर वाई को। तो यहां पर जो नेट प्रॉफिट रह जाता है मिस्टर एक्स का, वो नेट प्रॉफिट रह जाता है 6.60 लाख। और मिस्टर एक्स क्या करते हैं 6.60 लाख के साथ ही अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं, जिसमें वो बिजनेस और प्रोफेशन से अपनी इनकम दिखाते हैं 6,60,000 रुपए। लेकिन जो एसेसिंग ऑफिसर है एओ, एसेसिंग ऑफिसर, वो क्या करते हैं 6,60,000 रुपए की मिस्टर एक्स की जो इनकम है उसमें से जो 8.4 लाख की सैलरी का एक्सपेंस क्लेम किया गया है जो मिस्टर वाई को पे की गई, जो कि एक रिलेटिव है मिस्टर एक्स के, तो एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि 70,000 रुपए पर मंथ की जो सैलरी पे की गई है मिस्टर वाई को वो रीजनेबल नहीं है, वो जस्टिफाइबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर वाई, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर वाई, एसेसिंग ऑफिसर को लगता है जो मैक्सिमम सैलरी जो मिस्टर वाई को दी जानी थी वो थी 40,000 पर मंथ। लेकिन यहां पर सैलरी पे की गई 70,000 पर मंथ, जो कि 30,000 रुपीज पर मंथ ज्यादा पे की गई है मिस्टर वाई को अकॉर्डिंग टू द एसेसिंग ऑफिसर। तो एसेसिंग ऑफिसर क्या करते हैं 30,000 × 12 3,60,000 रुपए की जो सैलरी है वो डिसअलाउ कर देते हैं और यहां पर जो इनकम निकाली जाती है मिस्टर एक्स की वो 10,20,000 रुपए निकाली जाती है। तो इसीलिए बेसिकली सेक्शन 40A लाया गया। तो आप भी अगर
TDS का कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं TDS की पेमेंट कैसे की जाती है, TDS की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, TDS क्या होता है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन TDS कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जहां पर आप अकाउंटिंग के साथ साथ TDS, GST, इनकम टैक्स, ESI और PF, इन सभी को जो है कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉरपोरेट बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 2,500 रुपये की फीस रखी गई है। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा हमारी इस ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप जो नोट्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद भी आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद द कोर्स, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस या प्रोफेशन में कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करता है और यह जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, यह जो पेमेंट्स की गई, वो एक रिलेटिव को की गई है। अभी हम देखेंगे रिलेटिव की डेफिनेशन में किस किस को कवर किया गया है। तो यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में जो मैं बात करूं, अगर एक इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल के लिए बताया गया कि रिलेटिव जो होंगे वो हस्बैंड होगा, वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट। एसेंडेंट मींस पूर्वज और डिसेंडेंट मींस वंशज ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है, तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव्स की, तो मिस्टर एक्स के लिए रिलेटिव्स होंगे उनकी वाइफ, उनके ब्रदर, उनकी सिस्टर, उनके लीनियन असेंडेंट दैट मींस पूर्वज, जिसमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही कवर होंगे, और डिसेंडेंट वंशज, जो आप सन और डॉटर कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रदर की, जो वाइफ होंगी वो इंक्लूड नहीं होंगी, सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो एक इंडिविजुअल के केस में जो रिलेटिव की डेफिनेशन बताई गई, वो बताई गई वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो अगर इनको कोई भी पेमेंट्स की जा रही है, एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहा गया वेयर द एसएससी मींस हियर मिस्टर एक्स इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन और इज टू बी मेड टू एनी पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी। क्लोज बी की बात करें तो क्लोज बी में बताया गया है कौन कौन रिलेटिव के अंदर कवर होगा। तो अगर मिस्टर एक्स के द्वारा, एसएससी के द्वारा कोई भी पेमेंट की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्लोज बी में रेफर्ड है, दैट मीन्स जो एक रिलेटिव है, एंड द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्सपेंडिचर इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज और फैसिलिटीज फॉर विच द पेमेंट इज मेड और द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी और द बेनिफिट्स ड्राइव्ड बाय और अक्रूइंग टू हिम देयर फ्रॉम सो मच ऑफ द एक्सपेंडिचर एज इज सो कंसिडर्ड बाय हिम टू बी एक्सेसिव। तो अगर एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि मिस्टर एक्स जो कि एसएससी है, अगर एसएससी ने कोई भी गुड्स या सर्विसेज या फैसिलिटीज के लिए कोई भी पेमेंट की है और वो जो पेमेंट की गई है उस गुड्स या सर्विसेज या फैसिलिटीज की मार्केट वैल्यू को देखते हुए काफी ज्यादा पेमेंट की गई है, तो ऐसे में जितनी भी एसेसिंग ऑफिसर को लगता है एक्सेस पेमेंट की गई है, वो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। अनरीजनेबल शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जितनी भी एक्सेसिव पेमेंट होगी, अनरीजनेबल पेमेंट होगी, वो एसेसिंग ऑफिसर के द्वारा क्या की जा सकती है, डिसअलाउ की जा सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी भी रिलेटिव के लिए
कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन में, वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस। और अगर मान लीजिए किसी गुड्स के रिगार्डिंग पेमेंट की जा रही है, आपने कोई परचेज की है अपने रिलेटिव से, तो वो गुड्स की जो परचेज है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर परचेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने गुड्स खरीदी 100,000 रुपए की, लेकिन वही गुड्स आप मार्केट में 70,000 रुपीज की भी परचेज कर सकते थे। आपने ज्यादा पेमेंट की 100,000 रुपए की, तो यहां पर 30,000 रुपए जो आपने ज्यादा पे किए, ये असेसिंग ऑफिसर के द्वारा डिसअलाउ किए जा सकते हैं। हालांकि एज सच कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दिया गया है जिससे आप ये जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करेगा। लेकिन सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर यह पावर दी गई है असेसिंग ऑफिसर को, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो पेमेंट की गई है, जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए इनकर किए गए हैं जो एक रिलेटिव है, और जो पेमेंट या एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं वो अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, तो ऐसे में जितना एक्सेसिव पार्ट रहेगा, जितना अनरीजनेबल पार्ट रहेगा, वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा डिसअलाउ किया जा सकता है। तो आई होप अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जब भी आप किसी रिलेटिव के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो किसी गुड्स के रिगार्डिंग है, चाहे किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग है, चाहे किसी फैसिलिटीज के रिगार्डिंग है, वो हमेशा ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, और जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट ट्रांजेक्शन वैल्यू है, उनके अकॉर्डिंग ही वो ट्रांजेक्शन की जानी चाहिए। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो यहाँ पर ऐप के अंदर ही आपको चैट का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टोर के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है, जो भी कोर्स आप बाय करना चाहते हैं वो कोर्स आप जो है बाय कर सकते हैं।